सुख समृद्धि की ओर बढ़े। महाकालेश्वर महादेव के मंदिर के इस प्रांगण में आयोजित महाशिवरात्रि के पर्व पर एक पुण्य का काम भी सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का होता है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये महाशिवरात्रि का पर्व के दिन ये सामूहिक विवाह सम्मेलन महादेव और पार्वती का विवाह भी के रूप में भी शुभ मुहूर्त को मनाया जाता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आपका यह विवाह बंधन बनना अपने आप पर बहुत सुखद है और भगवान आपके सफल जीवन की कामना करता है। मैं देखता हूं हर वर्ष महाकालेश्वर महादेव मंदिर द्वारा ये सामूहिक विवाह सम्मेलन और महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भरत शाक्यवाल जी और उनके सभी पदाधिकारी लगातार इस मंदिर के प्रांगण में जहां महादेव का अभिषेक करते हैं और हर सुख दुख कष्ट संकट को हरण करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं। देवों के देव महादेव हमेशा समाज में कोई भी संकट आता है उस संकट को अपने ऊपर लेते हैं और इसीलिए जब समुद्र के अंदर मंथन हुआ तो कौन विष पिए कौन अमृत पिए, तो विष पीकर महादेव नीलकंठ महादेव भी कहलाए। आज भी महाशिवरात्रि का पर्व हम सबको यही प्रेरणा देता है कि समाज में कोई भी संकट आपदा मुसीबत आए उस संकट आपदा को उस चुनौती को अपने ऊपर लेकर समाज के कल्याण में लगाए। भरत शाक्यवाल जी भी ऐसे ही करते हैं, सोनी जी हैं, पूरी टीम है जो महाशिवरात्रि के पर्व पर पुण्य का काम इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से करते हैं ताकि पुण्य हो और कोई भी आपदा संकट मुसीबत हो तो ये समिति आपदा के संकट के समय भगवान शिव के दिए गए संस्कार और संस्कृति के रूप में जनसेवा का पुनित कार्य करे और हर आपदा और संकट को अपना संकट करकर सर्व जन कल्याण का काम करे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। विकास शर्मा जी भी आए हमारे बीच में, पूरी टीम आई है, हमारी आरती शाक्यवाल जी जो इस वार्ड की वार्ड पार्षद है, सबको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं महाशिवरात्रि के पर्व।